हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव पे हार्दिक स्वागत है। मैं देव आज नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम मैथ में औसत पढ़ने वाले हैं। औसत यानी इंग्लिश में से एवरेज कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है बच्चों हमारा। इसमें हम मैथ को बारीकी से पढ़ेंगे। जो किसी ने मैथ नहीं पढ़ा है आज तक, आप फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, इसमें हम मेन मेथड, शॉर्ट मेथड और ट्रिक तीनों के माध्यम से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये इस तरह की शॉर्ट ट्रिक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तो मैं आपको हर टॉपिक, चाहे एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो, हर टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड दोनों से हर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप कोई भी मैथ, इंग्लिश, जीके कोई भी टॉपिक पढ़ते हो या जीके तैयार करना हो, तो आप हमारे स्टडी विद देव के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट से, आपको ज्योग्राफी करनी हो, हिस्ट्री करनी हो, मैथ करना हो, तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके कोई भी टॉपिक आराम से समझ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। एवरेज क्या होता है? कोई भी संख्या हो या कोई व्यक्ति हो, उनमें टोटल का कितना औसत है, यानी कह देते नहीं 100 बंदे हैं, इनमें से पता नहीं हमारे फेवर में कितने होंगे, उसके फेवर में कितने हैं, ठीक है। और उन सबका औसत ज्ञात करना यानी एवरेज ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमें तीन फॉर्मूले याद रखने होते हैं। इन तीन फॉर्मूलों से हमारा औसत टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये तीन रूल्स बोल लो, सूत्र बोल लो हिंदी में क्या है। तो हमारा पहला सूत्र है औसत ज्ञात करने का। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि औसत बताइए, इन संख्याओं का औसत बताइए, 10 संख्याएं दे दी जाए, उनका औसत ज्ञात करो, तो क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये हुआ हमारा पहला सूत्र। इसी सूत्र से हम आगे के दो सूत्र और बनाएंगे। दूसरा सूत्र या रूल बोल लो, अगर हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसका रूल क्या बनेगा? इसका रूल वही बनेगा, अगर ये ज्ञात करना है तो इसकी जगह औसत को रख देंगे। जैसे राशियों की का योग बटा औसत, ठीक है। हमें एग्जाम में क्या होता है या किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मैथ में क्या होता है कि हमें दो चीजें दी होती है और एक चीज हमें ज्ञात करनी होती है। तो दो चीजें होंगी तो हम तीसरी चीज बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है। इसी तरह से हमारा तीसरा रूल या तीसरा सूत्र है, वो क्या होगा कि अगर हमें राशियों का योग ज्ञात करना हो, औसत दिया हो, राशियों का योग पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो हमें क्या करना है? औसत मल्टीप्लाई राशियों की संख्या, ये दे देंगे तो हमें औसत राशियों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन रूल थे। इन तीन रूलों से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं एग्जाम में। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि आप एक बार इसे देखिए। हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए कोई 5 संख्याएं दी हो, ठीक है, उन सभी का औसत ज्ञात करना हो। हम पहले रूल की बात करते हैं यहाँ पे कि हमें कुछ क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट एग्जांपल लीजिए कि हमें 5 संख्याएं दी है, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। ज्ञात करो, बहुत बारीकी से कर रहे हैं, बस आप वीडियो देखिए, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। 5 संख्याएं दी है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों औसत का फॉर्मूला क्या था? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका योग क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या होगी, लिख दिया। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 3, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 15, 15 / 5, ठीक है। इसे काटा तो 5 + 3 = 15, यानी ये हमारा तीन क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है।
ये तो था मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, अपने यहां 5 संख्याएं दी हुई थी, आगे 10 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, तो उनका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए औसत ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला और बनता है, शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला और बनता है, और वो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बटा दो। ये फॉर्मूला कभी भी हमें औसत ज्ञात करना हो, कंटिन्यू संख्याएं दी हो उनका औसत ज्ञात करना हो, तो एन प्लस वन बटा टू लिख के क्वेश्चन एक मिनट में हल हो जाएगा। यहां एन हम मानेंगे जो संख्या का लास्ट अक्षर होगा, ये हमारा एन वैल्यू होगी। ठीक है, यहां लास्ट अक्षर क्या है, 5, तो हमने यहां पे 5 लिख दिया। उसी क्रम में क्या होगा, प्लस वन बटा टू यानी कि 6/2 यानी कि हमारा 3 आंसर आ गया। यानी हमें ना तो इनका कैलकुलेशन करना पड़ा, किसी भी संख्या को ना ऐड किया ना कुछ और किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो ये लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट मेथड था, आप दोनों देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक से 25 तक प्राकृत संख्याओं औसत ज्ञात करो, औसत पूछ लिया जाए। तो अब इनमें क्या होगा, अब 1 से 25 तक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से करके और ये 25 तक, पहले रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि या तो इन सब का क्या कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, और नीचे इन संख्याओं का ऊपर योग, नीचे टोटल संख्याएं कितनी है वो लिख के जोड़ के घटा यानी भाग दे दो, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक मेथड तो ये था, इन सभी को जोड़ दो, ठीक है, बटा में 25 लिख के जो हमारा आया उसको काट के जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या था, मैंने अभी आपको शॉर्ट मेथड में बताया एन प्लस वन बटा टू, इसमें एन होगा हमारा लास्ट संख्या यानी 25, प्लस वन बटा दो यानी कि 26/2 13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि आपको एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करनी है या शॉर्ट मेथड से करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कि अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां 1 से 25 तक पूछा था, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। एक यानी कि एक तरीका मैंने बताया कि संख्या लिखी होगी, एक लिखा होगा 1 से 25 तक। तीसरे टाइप में क्वेश्चन, क्वेश्चन एक ही है, रूल भी एक ही है, पर तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, यानी कि उनकी भाषाएं अलग होती हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 55 संख्याओं तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत। इसी क्वेश्चन को 1 से 55 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 से लिख के 55 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या इन तीन तरीकों से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, पर तरीका आंसर निकालने का तरीका एक ही है, यानी कि n प्लस वन बटा टू या सबको जोड़ के 55 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या n प्लस वन बटा टू लिख दो, 55 प्लस वन बटा टू यानी कि 56/2 यानी कि 2 × 4 16 यानी 28 हमारा आंसर है। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन। आप सभी को समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में आंसर दीजिएगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका या स्पीड है वो स्लो या तेज है, कैसे है, तो आप हमें बता दीजिएगा। इसी तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विषम या सम संख्याओं पर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विषम संख्याएं कि चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9 औसत ज्ञात करना हो,
तो भी क्या होता है, जितनी संख्याएं हमें दी हो सबको टोटल कर लो, ठीक है, और इनकी काउंटिंग कर लो, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, या क्या करो 9 + 1/2 लिख के 10/2 = 5, ये भी आंसर है, और जो ये करेंगे तो भी आंसर है, जैसे कि 4 5 9 9 9 18 7 25/5, यानी कि 5 हमारा ये भी आंसर आ गया दोनों मेथड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं दी हो तो क्या करते हैं, सम संख्याओं में भी सेम रूल है, सेम मेथड है। मान लो सम संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यहां मैंने कुछ सम संख्याएं लिखी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है, क्या करना है, औसत ज्ञात करना है, ठीक है, संख्याएं दे दी जाएंगी उनका औसत ज्ञात करना है, तो सेम फॉर्मूला, क्या इन सबको जोड़ दो, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन सबका टोटल कर दिया जाए, 6 और 4 10, 8 और 2 10 20, 30 और 42, 42 का 6 में भाग दिया तो 7 6 42, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए छठा क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 5 संख्याएं औसत 8 है, जो हमारा औसत दिया होगा उसको बीच में लिख दिया जाएगा, ठीक है, और एक तरफ छोटी संख्या और एक तरफ बड़ी संख्या लिख दी जाएगी, जैसे 8 से पहले सम संख्या पूछा है तो सम संख्या लिख दी जाएगी, यानी कि 6 और क्या आएगा 4, 8 के बाद में 10 और 12, तो ये होगी सम संख्या। इसी तरह से मान लीजिए 7 दिया है हमें, पूछ लिया जाए, 7वां क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याएं औसत 7 है तो संख्या ज्ञात करो या संख्या हमें बताइए, तो जो औसत हमें यहां दिया है उस औसत को हम लिख लेंगे बीच में, ठीक है, उससे पहले विषम संख्या आती है 5 और उससे पहले विषम संख्या आती है हमारी 3 और इधर 9 और 11, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 7 है, बीच में लिख दिया औसत, इन सबको टोटल कर लो और 5 से डिवाइड दे लो तो ये हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा 7, ठीक है, मिडल संख्या को औसत बोला जाता है।